शनिवार को पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी राजधानी भोपाल पहुंचे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में मध्य प्रदेश को सबसे गरीब प्रदेश बनाया। काम कुछ नहीं किया इसका। जो 18 साल में आर्थिक आधार पर उन्नति होनी थी नहीं हुई। इसका मतलब है अब नाम बदल के नफरत फैला के घृणा फैला के मुद्दों मध्य प्रदेश को भ्रमित कर। नाम बदलने से अगर कुछ स्वच्छ होता हो तो एक पूरे दिन का सत्र बुलाकर नाम ही बदलने की प्रक्रिया कर ले अगर उससे कुछ उज्जवल होता हो। नाम बदल के अच्छा नहीं हो सकता है, काम से ही अच्छा हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? संविधान में लिखा है कि एक साल में कम से कम 70 बैठक विधानसभा की होनी चाहिए। 70 बैठक। मध्य प्रदेश में कभी कोरोना का बहाना बनाया गया, कभी अन्य बातें की गई, पर विधानसभा धीरे धीरे सत्र को कैसे विधानसभा की ताकत को समाप्त किया जाता है, ये विधायकों के विशेषाधिकार का हनन तो है ही। और ये सिर्फ कांग्रेस के विधायकों या विपक्ष के विधायकों का नहीं है, सत्ता पक्ष के विधायकों का भी जो हथियार होता है उसकी ताकत होती है। विधानसभा में जनता की बात रखना और विधायक की ताकत का अंदाजा करवाना, अधिकारियों पे उनके प्रश्नों को उठाना, जनता के दर्द को उठाना, उसकी भी अब शिवराज सिंह सरकार हत्या करने में लगी है। महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की, महिलाएं जात की नहीं होती है, किसी धर्म की नहीं होती है, महिलाएं महिलाएं होती है। और इस हिसाब से बिसाऊ लाल ने जो टिप्पणी की वो माफ करने योग्य नहीं है। अगर शिवराज सिंह उनको बर्खास्त नहीं करते, बर्खास्त करना चाहिए बिसाऊ लाल सिंह को, अपने पद से इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। शिवराज सरकार में मंत्री बिसाऊ लाल सिंह द्वारा ठाकुर राजपूत महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को राजपूत कन्या सेना के लोग भाजपा कार्यालय जा पहुंचे। कन्या सेना के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई और कई कार्यकर्ताओं पर अभिगंज थाने में केस दर्ज हो गया। हमारी मांग रखने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंत्री बिसाऊ लाल सिंह द्वारा दिए गए बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। उनके बयान के विरोध में भोपाल महिला कांग्रेस ने उनका रोशनपुरा चौराहे पर पुतला जलाया और उनसे इस्तीफे की मांग की। देखिए बिल्कुल मंत्री बिसाऊ लाल साहू का महिला कांग्रेस मांग करती है कि वो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती है कि आप जो भाजपा के नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो महिलाओं के लिए कभी भी कुछ भी अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं किया है बल्कि पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। और जो व्यक्ति नारी शक्ति का अपमान करता है वो अपने पद पर रहने लायक नहीं है, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि नारी ही नारायणी है। अगर उस व्यक्ति ने जन्म भी किसी स्त्री के पेट से कोख से ही लिया है, अगर वो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं दे सकता, महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, तो ऐसे बिसाऊ लाल साहू पे हमें धिक्कार है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए ऐसी गलती करते क्यों है? अगर माफी मांगनी थी तो उन्हें ऐसी जनता के बीच में माफी मांगे तो उनको जनता बताए। एसी के कमरे में बैठ के अगर माफी मांग लेते हैं, भरे मंच पे अगर महिलाओं को वो अपमान करते हैं, तो जनता के बीच में आके वो माफी मांगे तो माफी मानी जाएगी, अन्यथा उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मंत्री होके अगर इतिहास नहीं पढ़ा है कि ठाकुरों के लिए बोल रहे हो। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि सरकार कोविड को लेकर सजग है और किसी भी स्थिति में निपटने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। देखिए अभी तक का हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड में अभी हमको ऐसा कोई लक्षण तो यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में जो होगा हम उसकी तैयारी करेंगे। ये भी भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उसी परिपालन में हमने हमारी सभी गतिविधि सामान्य की है। ऊपर वाले से कामना की, जिस ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है, 8 करोड़ 57 लाख अपने यहाँ वैक्सीनेशन हुआ मध्य प्रदेश में, तो इसके बलबूते पर जो सामान्य स्थिति दिख रही है उसमें यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद जिन्होंने दवाई उपलब्ध कराई है। और धीरे धीरे जिस ढंग से हमारा पूरा प्रदेश सामान्य हो रहा है, हम उम्मीद करेंगे वैक्सीनेशन के बलबूते पर हम सब परिस्थिति से बाहर आए। ये काल्पनिक बातें हैं। जब हमने काले चालू नहीं किए तब हमारे पर दबाव था काले चालू करो, जब हम काले चालू कर रहे तब आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो गया उसके बाद में भी स्थिति बिगड़ेगी। जब बिगड़ेगी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर वैक्सीनेशन कराते हैं तो पूरे देश का जो वातावरण बना है वो सब कुछ धीरे धीरे अनुकूलता के लिए बना है। हम जैसी परिस्थिति बनेगी वैसे निर्णय करेंगे।
मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री ने कल कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पे जो मिंटो हाल किया है, हमको मालूम है कि पुरानी वो विधानसभा है और ये आज़ादी के बाद से लेकर के एक ऐसे तपोपुरुष जिनने पूरा जीवन राजनीति में करते करते एक तरह से निस्वार्थ भाव से जीवन जिया, जिनने कोई शासन का पद नहीं लिया, कोई किसी प्रकार से अपना अलग ढंग से इंटरेस्ट नहीं दिखाया और तपोनिष्ठ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज खड़ी करी है। ऐसे में हमारे पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर अगर मिंटो हॉल का नाम रखा गया है तो मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा ऐसे और जो जो गुलामी के चिन्ह हैं, जिन चिन्हों के नाम है, उनको बदलने की आवश्यकता है, बदलना चाहिए। सूदखोरों से परेशान एक ही परिवार के 5 लोगों द्वारा किए गए आत्महत्या के प्रयास के एक दिन बाद सरकार ने पीड़ितों की सुध लेते हुए उन्हें राहत राशि पहुंचाई है। वहीं जहरकांड के अगले दिन मृतकों की संख्या 3 हो गई है। उधर हादसे के बाद गोविंदपुर विधायक कृष्णा गौर गायत्री हॉस्पिटल पहुंची, जहां उन्होंने जिंदगी और मौत से जूझ रहे घायलों का हालचाल जाना। सभा क्षेत्र के आनंद नगर में कल एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना घटी। एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया, जिसमें से 3 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुसाइड नोट के आधार पर यह पता चला कि इस परिवार पर कर्ज था और कर्ज के बोझ तले इस परिवार ने यह कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब मैंने यह बात रखी तो उन्होंने तत्काल परिवार को सहायता देते हुए 2,00,000 रुपए की राशि का चेक उन्हें उपलब्ध कराया है। आज मैं स्वयं आनंद नगर के गायत्री अस्पताल में परिवार के साथ मिली हूँ। जो बचे हुए हैं पति पत्नी उन दोनों से, और उन दोनों को विश्वास दिलाया है कि भविष्य में अब ऐसी कभी कोई गलती नहीं करना। बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, परिवार खत्म हो गया, पर इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए उन्हें 2,00,000 रुपए का चेक तत्काल पहुँचाया है। आज SDM साहब के साथ हमने उन्हें परिवार को ये चेक सौंपा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तत्काल इस बात का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को सहायता दी। शिवराज सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा स्वर्ण महिलाओं पर दिए गए बयान के बाद लगातार वह घिरे हुए हैं। कड़ी सेना के साथ कांग्रेस ने भी उनके विरोध उतराई है। लगातार होते विरोध के बीच अब खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने भी अपनी सफाई दी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रोग्राम था और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए बोला, प्रदेश के लोगों को के संबंध में मैंने कोई बात नहीं किया, ना किसी जात के बारे में बात किया। अगर इससे भी किसी को दुख लगता है, ठेस पहुँचता है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप लोगों को मालूम, सबको मालूम है, हमारे क्षेत्र में चुनाव के टाइम में भी तमाम मेरे बारे में उटपटांग निकाला गया। कभी रिवाल्वर दिखाने की बात कही गई, कभी कहा कहते कोई महिला के बारे में अशब्द कहने की यही, पर जांच हुई तो कोई सत्य पाया नहीं गया। तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं, हर जगह करते हैं। और वहाँ तो मैं ये देख रहा था कि कोई अपने चैनल वनल वाला तो कोई था नहीं, पता नहीं ये कोनो मोबाइल में क्या निकाल के का कर दिया, जोड़ दिया, तोड़ मोड़ के, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।